हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आज बात करेंगे उस वर्गीकरण प्रणाली के मुख्य गुणों के बारे में जो प्रतिपादित की गई थी जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं APJ कैंडोले के बारे में, जिन्होंने जो वर्गीकरण है उसको दो भागों में बांटा, एक एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन या एम्पेरिकल वर्गीकरण, या अपन कह सकते हैं अनुभवजन्य वर्गीकरण, यानी अनुभवों के आधार पर पादपों को वर्गीकृत करना, जैसे कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जो आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके आधार पर पादपों को वर्गीकृत करना, ये कहलाता है एम्पेरिकल या अनुभवजन्य वर्गीकरण। जैसे ए नाम वाले पादपों को एक वर्ग में रख दिया, बी नाम वाले पादपों को दूसरे वर्ग के अंदर कर रख दिया। नेक्स्ट जो प्रकार बताया उन्होंने वो था रैशनल क्लासिफिकेशन, या अपन कह सकते हैं तर्क संगत वर्गीकरण। अब जो तर्क संगत वर्गीकरण था उसमें जो पादपों का वर्गीकरण किया गया वो उनके एक्चुअल कैरेक्टर्स के आधार पर किया गया, यानी कि जो कह सकते हैं गुण थे, उपलब्ध कैरेक्टर्स थे, सही कैरेक्टर्स थे, उनके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसे कहा जाता है रैशनल या अपन कह सकते हैं तर्क संगत वर्गीकरण। अब जो रैशनल क्लासिफिकेशन है उसको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, एक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन यानी कि प्रायोगिक वर्गीकरण, यहाँ पे पादपों को वर्गीकृत किया जाता है उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व के आधार पर पादपों को वर्गीकृत करना, जैसे जो फाइबर है उत्पाद फाइबर उत्पादन करने वाले पादप हैं उनको एक वर्ग में रख दिया, काष्ट उत्पादन करने वाले हैं उनको दूसरे वर्ग में रख दिया, तेल उत्पादन करने वाले पादप हैं उनको तीसरे वर्ग में रख दिया। तो इस प्रकार से आर्थिक महत्व के आधार पर यदि पादपों को वर्गीकृत किया जाए तो उसे कहा जाता है आपके प्रायोगिक वर्गीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम वर्गीकरण, यदि पादपों को एक या दो आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो उसे कहा जाता है कृत्रिम वर्गीकरण। जैसे कि कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, जो पुंकेसर है उनकी संख्या के आधार पर जो पादप है उनका वर्गीकरण कर दिया था, यानी एक पुंकेसर वाले पादप एक वर्ग के अंदर, दो वाले दूसरे में, तीन वाले तीसरे में। तो इस प्रकार से एक से लेकर के 20 उन्होंने अलग अलग वर्ग वर्गों में पादपों को विभाजित कर दिया था, परंतु यहाँ पे जो लक्षण लिए गए वो एक या दो आकारिकी लक्षण थे, इसलिए वो वर्गीकरण कैसा था, आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्गीकरण था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण की, यदि जो वर्गीकरण है पादपों का वह सभी उपलब्ध कह सकते हैं कैरेक्टर्स लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, तो सभी उपलब्ध लक्षणों के आधार पर यदि वर्गीकरण हो तो उसे कहा जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण है उसको पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है नेचुरल फिनेटिक यानी प्राकृतिक फिनेटिक। फिनेटिक मीन्स जब जो पादपों का ओवरऑल रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से जो पूर्ण अंतर संबंध होता है उसे कहा जाता है फिनेटिक रिलेशनशिप या फिनेटिक संबंध। यदि पादपों का वर्गीकरण ओवरऑल सिमिलरिटीज, ओवरऑल समानताओं और असमानताओं के आधार पर किया जाए तो उसे कहा जाएगा नेचुरल फिनेटिक क्लासिफिकेशन। और यदि इस फिनेटिक के अंदर अपन फाइलोजनी यानी जाति वृत्तीयता को जोड़ दें तो क्लासिफिकेशन कहलाएगा आपके प्राकृतिक जाति वृत्तीय वर्गीकरण, यानी कि सभी उपलब्ध लक्षणों के अलावा यदि हम उस पर्टिकुलर जो आपके पादप है उसका अंतर संबंध देखें उनके एंसेस्टर के साथ में, पूर्वजों के साथ में, तो उसे कहा जाएगा जाति वृत्तीय या नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये बात हुई कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। बात करते हैं अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर्स क्लासिफिकेशन, कुछ मुख्य जो गुण है इनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण पद्धति के। तो जो क्लासिफिकेशन का टाइप था, प्रकार था, वो था आपके नेचुरल प्राकृतिक फेनेटिक टाइप का, फाइलोजेनेटिक नहीं था ये, फेनेटिक था। पब्लिकेशन की बात की जाए तो तीन वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश किए थे, तीन
खंड प्रकाशित किए थे, पुस्तक के नाम था पुस्तक का जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी, इसके तीन खंड प्रकाशित किए थे, पहला खंड 1862 में और तीसरा खंड आया था 1883 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या दिया था, वर्गीकरण दिया था सीड प्लांट का बीजीय पादपों को, जिनको अपन कहते हैं फेनेरोगेम्स या स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा का वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या आधार था इनके वर्गीकरण का, इनके वर्गीकरण का आधार था वह वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया था एपी डे कैंडोले द्वारा, और इसके ऊपर कुछ रिफाइनमेंट्स उनके द्वारा किए गए थे। क्या रिफाइनमेंट थे, उनके द्वारा एक नई श्रेणी जोड़ी गई जिसे कहा गया डिस्की फ्लोरी, साथ ही साथ उन्होंने ऐड किया एपेटलस टैक्सा को, जिसे अपन कह सकते हैं कि ऐसा टैक्सा जिसके अंदर जो दल पुंज है वो अनुपस्थित हो, जिसे अपन नाम देंगे मोनोक्लेमाइडी, जिसे इन्होंने नाम दिया मोनोक्लेमाइडी। साथ ही साथ इन्होंने जो अनावर्त बीजी है उनको एक पृथक समूह के रूप में रखा। अब जो बेंथम और हुकर थे, ये दोनों के दोनों कार्य कर रहे थे कहां पे, रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू लंदन के अंदर, और उन्होंने अपने इस वर्गीकरण के अंतर्गत उस समय तक उपलब्ध सभी पुष्पीय पादपों की प्रजातियों को सम्मिलित किया था। बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था या वर्गीकरण का जो सिस्टम था, इसके अंतर्गत उन्होंने 97,205 पादप प्रजातियों या यूं कह दें बीजीय पादपों की प्रजातियों को वर्गीकृत किया था, तीन वर्गों में, तीन उपवर्गों में, 21 श्रेणियों में, 25 कोहर्ट्स में और 202 ऑर्डर्स के अंदर। अब इन 202 ऑर्डर्स या जिसे अपन कहते हैं गण, इन 202 गणों में 199 जो गण थे ये थे एंजियोस्पर्म्स के, यानी कि आवर्त बीजियों के, और केवल तीन गण थे जिम्नोस्पर्म्स के या अनावर्त बीजियों के। साथ ही साथ जो बेंथम एंड हुकर का, हुकर के कोहर्ट्स थे, ठीक है, जो कोहर्ट्स थे उन्हें अपन वर्तमान समय में जानते हैं किस नाम से, ऑर्डर्स के नाम से, और जो ऑर्डर्स थे उन्हें अपन कहते हैं फैमिलीज। ठीक है, बात करते हैं आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो बेंथम और हुकर है उन्होंने डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा यानी बीजीय पादपों का जो डिवीजन है, प्रभाग है, उसको वर्गीकृत किया था। देख सकते हैं अपन यहाँ पे डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। अब इस डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को, जिसमें फेनेरोगेम्स शामिल हैं, बीजीय पादप शामिल हैं, उनको तीन वर्गों में बांटा। अब तीन वर्ग कौन से थे, ये तीन वर्ग थे आपके डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडन, यानी कि द्विबीजपत्री, अनावर्त बीजी और एक बीजपत्री। अब जो द्विबीजपत्री वर्ग था उसे कुछ उपवर्गों में बांटा गया, और ये उपवर्ग थे आपके पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। बात करते हैं इनके बारे में। पॉलीपेटली का मतलब हो गया जहाँ पे जो दलपुंज होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, यानी कि फ्री पेटल्स होते हैं। गैमोपेटली मतलब जहाँ पे दलपुंज है एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं। और मोनोक्लेमाइडी मतलब जैसा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे जो दलपुंज है वो अनुपस्थित रहते हैं। तो जो पॉलीपेटली है या यूं कह दें जहाँ पे पेटल फ्री है, उस उपवर्ग को पुनः तीन श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया। अब ये तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ये तीन श्रेणियां हैं आपके थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। तो तीन श्रेणियों में उन्होंने बांटा पॉलीपेटली को, या यूं कह दें उपवर्ग पॉलीपेटली को पुनः तीन श्रेणियों में बांटा गया। अब किस आधार पर इन तीन श्रेणियों को एक दूसरे से पृथक किया गया या वर्गीकृत किया गया, बात करते हैं। तो थैलेमी फ्लोरी के अंदर पॉलीसेपेलस कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए पहले अपन देख चुके हैं कि पॉलीपेटली मीन्स यहाँ पे जो पेटल होंगे वो एक दूसरे से मुक्त होंगे, और पेटल मुक्त होने के साथ यदि सेपल भी मुक्त है, यानी पॉलीसेपेलस अवस्था है, यानी बाह्य दलपुंज भी एक दूसरे से मुक्त है, तो उसे रखा जाएगा थैलेमी फ्लोरी के अंदर। साथ ही साथ जो पुष्प होगा वो होगा आपके हाइपोगाइनस, यानी कि जो सारे के सारे पुष्पीय अवयव हैं वो जायांग के नीचे से निकलेंगे, या यूं कह दें कि जो अवस्था है
पुष्प की वो जायांग धर है, जो ओवेरी की अवस्था है आपके, वो जायांग धर अवस्था है। और इस जो आपके सीरीज या श्रेणी है, इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं 6 गण और साथ में 34 कुल। नेक्स्ट जो आपके सीरीज या श्रेणी आती है वो है आपके डिस्की फ्लोरी, और डिस्की फ्लोरी के अंदर जो पुष्प होगा वो या तो पॉलीसेपलस होगा या गैमोसेपलस, यानी कि या तो बाह्यतलपुंज मुक्त रहेंगे, एक दूसरे से फ्री रहेंगे, या आपस में जुड़े हुए रहेंगे, परंतु जायांग होगा वो हाइपोगाइनस होगा, यानी जायांग धर अवस्था या ओवेरी सुपीरियर देखने को मिलेगी आपको। इस जो श्रेणी है इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं आपके 4 गण और 23 कुल। नेक्स्ट जो श्रेणी है उसे अपन कहते हैं कैल्सी फ्लोरी। कैल्सी फ्लोरी के अंदर जो पुष्प होंगे वो होंगे आपके गैमोसेपलस, मीन्स यहाँ पे जो बाह्य दलपुंज होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि पेटल्स जो है वो तो फ्री है, परंतु जो सेपल्स हैं या बाह्य दलपुंज है वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। साथ ही जो ओवेरी होगी वो अब इन्फीरियर देखने को मिल सकती है या परिजायांगी या पेरिगाइनस अवस्था देखने को मिल सकती है। इन्फीरियर मतलब जब पुष्पीय अवयव जो है वो आपके जायांग के ऊपर से निकले, तो अपन कहते हैं कि जो कंडीशन आती है उसे कहते हैं अपन अधोजायांगी अवस्था, या ओवेरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है। इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं 5 गण और 27 कुल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गैमोपेटली के बारे में, और जो गैमोपेटली है इसको आपको आप इसको इन्होंने पुनः बांटा है 3 सीरीज के अंदर, 3 श्रेणियों के अंतर्गत इन्होंने इसको विभक्त किया है। अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, ये श्रेणियां हैं इनफेरी, हिट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी। तो यहाँ पे गैमोपेटल है, मीन्स की जो पेटल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसको पुनः 3 श्रेणियों में बांटा है। किस आधार पर बांटा है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो होगा एपिगाइनस, एपिगाइनस इनफेरी। इनफेरी का मतलब हो गया कि ओवेरी है वो इन्फीरियर है, यानी कि अधोजायांगी अवस्था अपने को देखने को मिलेगी, इन्फीरियर ओवेरी अपने को देखने को मिलेगी। तो फ्लावर होगा वो एपिगाइनस होगा, मतलब जो पुष्पीय अवयव है वो जायांग के ऊपर से निकलेंगे, या यूँ कहते हैं कि ओवेरी जो है वो इन्फीरियर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं 4 गण और 9 कुल। नेक्स्ट अपन बात करें हिट्रोमेरी की, तो यहाँ फ्लावर होगा वो हाइपोगाइनस होगा, यानी ओवेरी जो है वो क्या होगी, सुपीरियर होगी, जायांग धर अवस्था देखने को मिलेगी, और उसमें होंगे 2 से अधिक अंडप। तो जो आपके जायांग है उसमें 2 से अधिक अंडप यदि आपको देखने को मिले, और फ्लावर कैसा मिले, हाइपोगाइनस, तो रखा जाएगा उनको हिट्रोमेरी श्रेणी के अंदर। इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं 3 गण और 12 कुल। बाइकार्पिलेटी की बात करें, तो यहाँ पे भी जो ओवेरी होगी या फ्लावर होगा वो हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस का मतलब हो गया फिर से जायांग धर अवस्था देखने को मिलेगी आपको, ओवेरी सुपीरियर देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पे केवल 2 ही अंडप मौजूद होंगे जायांग के अंदर। इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं 4 गण और 24 कुल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोक्लेमाइडी के बारे में, यानी कि ऐसा उपवर्ग जिसके अंदर जो दलपुंज होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है आपके 7 श्रेणियों को। अब ये 7 श्रेणियां कौन कौन सी है, सबसे पहले श्रेणी है कर्व एम्ब्रिय। कर्व एम्ब्रिय मीन्स जहां पे एम्ब्रियो या भ्रूण जो है वो वक्रित अवस्था में आपको देखने को मिले, उसे कहा जाएगा कर्व एम्ब्रिय। साथ ही जो ओव्यूल है, बीजांड है, उनकी संख्या केवल 1 होती है। तो एम्ब्रियो कर्व होता है, बीजांड की संख्या 1 होती है। इसके अंतर्गत सामान्यतः सम्मिलित है आपके चिनोपोडियेसी कुल और साथ ही पॉलीगोनेसी कुल। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है आपके मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकाई। तो मल्टी ओव्यूलेट का मतलब हो गया जहाँ पे अधिक संख्या में बीजांड जो है वो उपस्थित हैं। तो एक्वेटिकाई है, तो मीन्स यहाँ पे जो पादप हैं वो सारे के सारे जलीय पादप हैं, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ओव्यूल्स जो हैं, बीजांड जो हैं वो उपस्थित हैं। इसके अंतर्गत आपके सम्मिलित किया गया है पोडोस्टीमेसी को। वहीं अगर बात करें मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, तो यहाँ पे मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन होगी, परंतु जो पादप होंगे वो टेरेस्ट्रियल होंगे, यानी कि स्थलीय पादप देखने को मिलेंगे अपने को, जैसा कि निपेंथेसी के अंदर देखने को मिलता है अपने को।
नेक्स्ट अपन बात करें माइक्रो एम्ब्री। माइक्रो एम्ब्री मीन्स, माइक्रो मीन्स छोटा, एम्ब्री मीन्स एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज होता है, और जो एंडोस्पर्म होता है या भ्रूण पोष होता है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपस्थित रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें डैफनेल्स की, तो डैफनेल्स के अंदर जो ओवेरी है, अंडाशय है, उसके अंदर केवल एक ही अंडक उपस्थित होगा और एक ही बीजांड होगा। तो ऐसा, ऐसी श्रेणी या ऐसे पादप कह सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, केवल एक अंडक हो, और एक जायंग में एक अंडक हो और एक अंडक के अंदर केवल एक बीजांड उपस्थित हो, उनको रखा गया है डैफनेल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है एक्लिमेटोस्पोरी। एक्लिमेटोस्पोरी के अंदर क्या होगा, आपके जो ओवेरी होगी वो इन्फीरियर होगी, अधोजायांगी होगी, और साथ ही साथ एक प्रकोष्ठी होगी। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स के अंदर क्या होता है, जो फ्लावर है, पुष्प है, वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक लिंगी देखने को मिलता है, जैसा U4BSequl के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थोड़ा जिम्नोस्पर्मी के बारे में। इसमें तीन फैमिलीज रखी गई है, नीटेसी, कोनीफेरेई और साइकेडेसी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक बीजपत्री क्लास या वर्ग एक बीजपत्री के बारे में। तो जो एक बीजपत्री है इसको पुनः सात श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब ये सात श्रेणियां कौन सी हैं? ये है आपके माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी का मतलब हो गया, स्पर्म मीन्स बीज, माइक्रो मीन्स छोटे। तो ऐसे पादप जिनमें बीजों का आकार क्या है, छोटा है, साथ ही साथ जो ओवेरी है वो क्या है, इन्फीरियर है, ठीक है, एपिगाइनस अवस्था जहां देखने को मिल रही है वहां पे उन पादपों को सम्मिलित किया गया है। माइक्रोस्पर्मी के अंदर ओवेरी इन्फीरियर होनी चाहिए और बीजों का आकार छोटा होना चाहिए। इसके अंतर्गत सम्मिलित है आपके ऑर्किडेसी, और जो ऑर्किडेसी है वो एक, आप कह सकते हैं अपन एक बीजपत्री पादपों में पुष्पीय पादपों का सबसे बड़ा कुल है। यदि बात करें पुष्पीय पादपों के सबसे बड़े कुल की, तो वो है एस्ट्रेसी, सनफ्लावर फैमिली, और यदि बात की जाए एक बीजपत्रियों में तो सबसे बड़ा जो कुल है वो है ऑर्किडेसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिगाइनी। एपिगाइनी के अंदर जो ओवेरी है वो क्या हो जाएगी, गाइन क्या है, इन्फीरियर हो जाएगा, आपके एपिगाइनस अवस्था देखने को मिलेगी अपने को, साथ ही जो बीज होंगे वो बड़े आकार के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोरोनरी। इसके अंदर जो पेरियंथ है, जो सेपल और पेटल है, बायदल दलपुंज दोनों मिलकर के पेरियंथ का निर्माण करते हैं, जिसे अपन कहते हैं परिदलपुंज। और ये परिदलपुंज होता है ये पेटल्स के समान होता है, यानी कि दलपुंज के समान होता है, कलरफुल होता है, तो इसे अपन कहते हैं कोरोनरी। ये ऐसे पादपों को सम्मिलित किया गया है कोरोनरी सीरीज के अंदर, श्रेणी के अंदर। और ओवेरी जो होती है, जायांग जो होता है वो सुपीरियर होगा, जायांग थर अवस्था देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें कैलिसनेई। कैलिसनेई जो है यहाँ पे पेरियंथ या परिदलपुंज जो है वो सेपल के समान हरे होते हैं, और ओवेरी यहाँ पे भी आपको सुपीरियर देखने को मिलेगी, यानी उधरवर्ती आपको जायांग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूडीफ्लोरी। न्यूडीफ्लोरी के अंतर्गत सम्मिलित है पादप है, उनके अंदर आपको पेरियंथ अनुपस्थित देखने को मिलेगा, यानी परिदलपुंज अनुपस्थित होगा और ओवेरी यहाँ पे भी उधरवर्ती या सुपीरियर होगी। एपोकार्पेसी। एपोकार्पस मीन्स जहाँ पे जो अंडप है वियुक्त अंडप भी होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो अपन कह सकते हैं एपोकार्पी के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, कार्पल्स जो हैं, अंडप जो हैं, वो एक दूसरे से मुक्त देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें ग्लूमेसी की, तो ग्लूमेसी के अंदर जो पेरियंथ है वो स्मॉल होते हैं, यानी परिदलपुंज स्मॉल होते हैं, जिन्हें पेपर्स कहते हैं अपन, और वो स्केल्स के समान होते हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित है आपके पोएसी या ग्रामिनिकुल। तो ये बात हुई बैंथम और हुकर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के आउटलाइन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेरिट्स ऑफ बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, मतलब क्या मेरिट्स थी इनकी, क्या अच्छी बातें थी अपन कह सकते हैं बैंथम और हुकर के वर्गीकरण की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो बैंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था, इट वॉज द मोस्ट नेचुरल सिस्टम, यानी कि सबसे अधिक प्राकृतिक जो वर्गीकरण था वो दिया था बैंथम और हुकर ने। इसके पहले के जो क्लासिफिकेशन थे अधिकतर, तो वो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थे, यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण थे, तो वहाँ पे सभी उपलब्ध पादपीय गुणों को सम्मिलित नहीं किया गया था।
और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड था एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन, यानी हर एक पादप के जो एक्चुअल जो गुण थे उनका परीक्षण करने के पश्चात ये वर्गीकरण किया गया था। जो डिस्क्रिप्शन था पादपों का वो एकदम एक्यूरेट था, सही था और विश्वसनीय था। और ये जो वर्गीकरण है इसको आसानी से फॉलो किया जा सकता है, इसका आसानी से अनुसरण किया जा सकता है। इसी कारण से इस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है अधिकांश जो आपके हर्बेरिया हैं या बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे पादपों को अरेंज करने के लिए इन्हीं कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये आसानी से अनुसरण, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का आसानी से अनुसरण किया जा सकता है। हालांकि जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, परंतु इस फिनेटिक क्लासिफिकेशन के साथ साथ में ये एफिनिटी शो करता है इवोल्यूशन के साथ। मतलब यू कह सकते हैं कि हालांकि जो सिस्टम है वो फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था परंतु ये फाइलोजेनी को भी अपने अंदर सम्मिलित करता है। हालांकि ये जो वर्गीकरण था वो फाइलोजेनी या जाति वृत्तीयता को देख करके नहीं दिया गया था, परंतु अभी आज के दौर में यदि इसकी तुलना की जाए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या जाति वृत्तीय वर्गीकरण से तो ये कुछ एफिनिटीज उसके साथ में भी अपन कह सकते हैं समानता है उसके साथ में भी रखता है। जैसे कि जो रेनेल्स हैं, ऑर्डर जो रेनेल्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर था अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो आपके रखा गया है, मतलब जो पॉलीपेटली की अपन कह सकते हैं थैलेमी फ्लोरी है इसके अंदर जो ऑर्डर रखा गया है पहला वो है रेनेल्स। और आज के समय में यदि बात की जाए तो जो रेनेल्स है उसको सबसे प्रिमिटिव पोजिशन दी जाती है, यानी कि सबसे प्राचीनतम है। तो ये सबसे प्राचीनतम है और बेंथम एंड हुकर ने भी इसको सबसे पहले रखा था। किसके अंतर्गत? आपके पॉलीपेटली के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करें द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकॉटलिन आफ्टर डाइकॉट, मींस जो मोनोकॉट्स एक बीजपत्री पादप हैं उनको द्विबीजपत्री पादपों से प्रगत माना जाता है, एडवांस माना जाता है। और बेंथम और हुकर ने भी जो मोनोकॉट्स हैं उनको डाइकॉट्स के बाद रखा, जो कि मतलब जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है उसके समान ही, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही है और उसका अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स या दोष के बारे में। तो ये गुण थे, अब दोष के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह गई थी उसके बारे में बात करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स है यानी अनावर्त बीजियों को आवर्त बीजियों के दो वर्गों यानी डाइकॉट और मोनोकॉट्स के बीच में रखना ये गलत था। पादपों के या यूं कह दें कि जो पुष्पीय पादप थे उनके कई पुष्पीय लक्षणों को नजरअंदाज किया गया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। जो सबसे एडवांस फैमिली थी ऑर्किडेसी उसको प्रिमिटिव माना गया, यानी अपनों पढ़ा था कि जो ऑर्किडेसी इसको रखा गया माइक्रोस्पर्मी यानी इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक है यहाँ पे। तो ये सबसे एडवांस फैमिली है मोनोकॉट्स की और इसको सबसे पहले रखना ये गलत था, मोनोकॉट्स के अंदर इसको सबसे पहले रखना गलत था क्योंकि ये सम्मिलित है माइक्रोस्पर्मी के अंदर। नेक्स्ट जो कमी थी वो थी कि जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड यानी एक दूसरे के पास पास कुल होने चाहिए थे उनको एक दूसरे से पृथक रखा गया। कैसे? बात करते हैं जो कर्व एम्ब्री है मोनोक्लेमाइडी की वो रिलेटेड है कैरियोफाइलेसी ऑफ द सीरीज थैलेमी फ्लोरी ऑफ पॉलीपेटली, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कर्व एम्ब्री है ये रिलेटेड है किससे? पॉलीपेटली की सीरीज में उपस्थित कैरियोफाइलेसी से। तो इनको एक दूसरे से पृथक रखना ये गलत था जबकि एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है और वर्तमान समय में अपन कह सकते हैं। तो ये कुछ कमियां थी बेंथम और हुकर के वर्गीकरण की। धन्यवाद।